नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिकी घटना चक्र वार्षिकांक 2019 को। तो इसमें एक बड़ा हिस्सा हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक। क्या क्या देख चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य देख चुके हैं, वैज्ञानिक परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश जो था विशेष उसे भी देख लिया हम लोगों ने। और अब बात करना है हमको संक्षिप्तियों के बारे में, चर्चित व्यक्ति, इसमें इस चर्चित स्थल, पुरस्कार, समारोह, सम्मेलन, योजनाएं, ठीक है, संधि समझौते, आयोग दिवस, चर्चित पुस्तकें, ये सभी देखना है हम लोगों को। तो चलिए आपको बता दें शुरू करने से पहले कि हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट में सूची बनाई हुई है समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से। उसी में सभी ये लेक्चर अभी तक जो खत्म हो चुके हैं पड़े हुए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करने वाले हैं इस लेक्चर में चर्चित व्यक्तियों के बारे में। चर्चित व्यक्ति देखते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय व्यक्ति देखते हैं पहले। राष्ट्रीय व्यक्ति T.N. सेशन, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं पूर्व कैबिनेट सचिव का चेन्नई में तमिलनाडु में निधन हो गया 10 नवंबर 2019 को। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। उन्हें वर्ष 1996 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार सरकारी सेवा श्रेणी में से सम्मानित किया गया था। फिर इन्हें दूसरे गिरीश चंद मुर्मू, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं भारत सरकार के व्यय सचिव, नवगठित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को। तो याद रखना जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद मुर्मू। फिर है राधा कृष्ण माथुर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है 31 अक्टूबर 2019 को। तो याद रखना लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े के बारे में। देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पद ग्रहण किया है उन्होंने 18 नवंबर 2019 को। कार्यकाल रहेगा इनका 23 अप्रैल 2021 तक। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, याद रखना। बात करते हैं एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल V.S. धनोआ का स्थान लिया है। फिर बात करते हैं अरुण जेटली साहब के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री का निधन हो गया अभी 24 अगस्त 2019 को। वह मई 2014 से मई 2019 तक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री रहे हैं। इनकी स्मृति में 12 सितंबर 2019 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। बात करते हैं मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया 29 अगस्त 2019 को। उन्होंने कभी कभी उमराव जान, रजिया सुल्तान जैसे कई हिट फिल्मों में संगीत किया है। वर्ष 1982 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री का निधन हो गया 6 अगस्त 2019 को। वह 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक देश की विदेश मंत्री रही। वह इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। वे अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। फिर बात करते हैं शालिजा धामी, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। वह हिंडन एयरवेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्य कर रही हैं। बात करते हैं चंदिमा साहा, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह जनवरी 2020 में
कारोबार ग्रहण करेंगी। उसके बाद आते हैं बी एस येदियुरप्पा, येदियुरप्पा व्यक्ति के तौर पर कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है उन्होंने। उन्होंने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। फिर बात करते हैं अंशुला कांत, भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास द्वारा इस समूह की नई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए। बात करते हैं ओम बिड़ला जी के बारे में, राजस्थान राज्य के कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सदस्य सर्वसम्मति निर्विरोध से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 19 जून 2019 को। बात करते हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, नई दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिक इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय की महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के बारे में जो चर्चित रहे हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति संजय करोल, एक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है इन्होंने। अरविंद सिंह, ये वरिष्ठ आईपीएस आईएएस अधिकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का पद भार संभाला है इन्होंने। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल का पद ग्रहण किया है इन्होंने। देनेश्वर शर्मा, आईबी के पूर्व प्रमुख एवं केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त वार्ताकार लक्षद्वीप के नए प्रशासक का पदभार ग्रहण किया है 3 नवंबर 2019 को। सुखवीर सिंह संधु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है इन्होंने 28 अक्टूबर 2019 को। टीसीपीएस श्रीधरन पिल्लई, राष्ट्रपति द्वारा मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं श्रीधरन साहब 25 अक्टूबर 2019 को। अशोक मलिक, केंद्र सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के नीति सलाहकार नियुक्त किए गए हैं 23 अक्टूबर 2019 को। पंकज कुमार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे सीईओ 23 अक्टूबर 2019 को। रजनीश कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं 18 अक्टूबर 2019 को। अगले हैं अनूप कुमार सिंह, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ये हुए 18 अक्टूबर 2019 को। बात करते हैं के सतीश रेड्डी साहब के बारे में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के अध्यक्ष वर्ष 2019 से 21 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 10 अक्टूबर 2019 को। डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं 1 अक्टूबर 2019 को। न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा, एक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पंजाब राज्य के नए लोकपाल नियुक्त किए हुए हैं 1 अक्टूबर 2019 में। बात करते हैं कुलदीप सिंह धतवालिया, भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के वरिष्ठ अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए महानिदेशक एवं केंद्र सरकार के प्रधान प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं 23 सितंबर 2019 को। बात करते हैं हम लोग जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में, थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 27 सितंबर 2019 को। न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य पहले लोकायुक्त बने 16 सितंबर 2019 को। बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का ग्रहण पदभार इन्होंने संभाला है 11 सितंबर 2019 को। बात करते हैं विंग कमांडर अंजलि सिंह, विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी 10 सितंबर 2019 को। कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 9 सितंबर 2019 को। बात करते हैं हम लोग डॉक्टर तमिलीसाई सुंदर राजन, तेलंगाना के
तेलंगाना की राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है 8 सितंबर 2019 को। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल का पद ग्रहण किया है इन्होंने 6 सितंबर 2019 को। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है 5 सितंबर 2019 को। फिर है राजीव गोबा पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है 30 अगस्त 2019 को। अजय कुमार भल्ला देश के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए 22 अगस्त 2019 को। डॉक्टर अजय कुमार देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए 21 अगस्त 2019 को। डॉक्टर बी जी सोमानी देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI नियुक्त किए गए 14 अगस्त 2019 को। बात करते हैं राजीव कुमार वरिष्ठ IAS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए 31 जुलाई 2019 को। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं 16 जुलाई 2019 को। विश्वा भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार पुरवार भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए 9 जुलाई 2019 को। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष। NS विश्वनाथन RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया इनका। न्यायमूर्ति AK सीकरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त हुए हैं। फिर हैं सामंत गोयल साहब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं 26 जून 2019 को। अरविंद कुमार इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं 26 जून 2019 को। BS कोमोदी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 10 जून 2019 को। मितुंजय महापात्र प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक एवं चक्रवात चेतावनी विशेषज्ञ भारत मौसम विज्ञान विभाग के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 4 जून 2019 को। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। फिर है एडमिरल करमबीर सिंह देश के नए नौसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने 31 मई 2019 को। विक्रम एस किर्लोस्कर वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया इन्होंने 5 अप्रैल 2019 को। विभू कल्याण नायक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं 1 अप्रैल 2019 में। प्रमोद सामंत गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है प्रमोद सामंत ने 19 मार्च 2019 को। बात करते हैं अजीत कुमार मोहंती प्रसिद्ध वैज्ञानिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क के नए निदेशक का पदभार ग्रहण किया है 12 मार्च 2019 को। श्री लाल सावता मिजोरम के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 11 मार्च 2019 को। भगवान लाल साहिनी नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है 1 मार्च 2019 को। गौरी सामंत महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त की गई है 2019 में। फिर है सुशील चंद्रा देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है 15 फरवरी 2019 को। प्रमोद चंद मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद चंद मोदी 15 फरवरी 2019 को। अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं 13 फरवरी 2019 को। ऋषि कुमार शुक्ला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक बने हैं 4 फरवरी 2019 को। सुधीर भार्गव केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त व्यक्ति के रूप में 9वें बने हैं 1 जनवरी 2019 को। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं 1 जनवरी 2019 को। प्रणव कुमार दास केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए 17 दिसंबर 2018 को। आरती झाबड़ा श्रीवास्तव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए दिसंबर 2018 में। अनिल मड़ीभाई नाइक के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं याद रखना
14 नवंबर 2018 को। अब बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है अभी हाल में। वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका निधन हो गया 14 नवंबर 2019 को। नवनीता देवसेन प्रसिद्ध बांग्ला कवियत्री, उपन्यासकार एवं कथाकार का निधन 7 नवंबर 2019 को। अपने काव्य और कथा साहित्य नवनीता के लिए वर्ष 1999 में बांग्ला भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से तथा वर्ष 2000 में पद्म श्री से सम्मानित हुए थे। फिर न्यायमूर्ति एन वेंकट चला कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त का निधन हो गया 30 अक्टूबर 2019 को। बी नानमर देश के सबसे उम्मद राज महिला योग शिक्षक का निधन हो गया 26 अक्टूबर 2019 को। दादू चौहले दत्ताते महाराष्ट्र के दिग्गज पहलवान का निधन हो गया 20 अक्टूबर 2019 को। उन्होंने महाराष्ट्र केसरी, रुस्तम हिंद केसरी, महान भारत केसरी जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए। खेलों में उपलब्धि के लिए उन्हें वर्ष 2018 की प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। फिर हैं बेजू खोटे, फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया 30 सितंबर 2019 को। फिर हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी का निधन 26 अगस्त 2019 को हो गया। फिर वर्ष 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता का निधन हो गया 21 अगस्त 2019 को। फिर हैं जगन्नाथ मिश्र, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया 19 अगस्त 2019 को। नीलम शर्मा वर्ष 2018 के नारी पुरस्कार से सम्मानित दूरदर्शन समाचार प्रसिद्ध एंकर का निधन हो गया 17 अगस्त 2019 को। जे ओम प्रकाश प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व निर्देशन का निधन हो गया 17 अगस्त 2019 को। डॉक्टर सुधीर बी गोकर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक एवं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का यूएस में निधन हो गया 30 जुलाई 2019 को। जयपाल रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया 28 जुलाई 2019 को। सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया 3 जुलाई 2019 को। जया अरुणाचलम प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती और कामकाजी महिला मंच की संस्थापिका का निधन हो गया 30 जून 2019 को। झरना धारा चौधरी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती और जैग नोआखली बांग्लादेश स्थित गांधी आश्रम ट्रस्ट की सचिव का निधन हो गया 27 जून 2019 को। उन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तंजावुर आर राममूर्ति प्रसिद्ध मिंदगम वादक तिची तमिलनाडु में निधन हो गया इनका 20 जून 2019 को। मोहन रनाडे गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया 25 जून 2019 को। कादर खान प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं लेखक का टोरंटो कनाडा में निधन हो गया 31 दिसंबर 2018 को और भारतीय समय अनुसार 1 जनवरी 2019 को। मृणाल सेन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशन का निधन हो गया 30 दिसंबर 2018 को। उन्हें वर्ष 2003 में के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टी एस कनका एशिया की पहली महिला न्यूरो सर्जन का चेन्नई में निधन हो गया 14 नवंबर 2018 को। बात करते हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष के बारे में। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो याद रखना, ये हमेशा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने थे। पीसी घोष, पिनाकी चंद घोष, इनका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। बात करते हैं विजेंद्र पाल सिंह, प्रसिद्ध क्राइम शो सीआईडी के निर्माता एवं निर्देशक,
केंद्र सरकार द्वारा पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यही अन्य चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं। विराट कोहली साहब, तो आपको पता है प्रसिद्ध क्रिकेटर साहब हैं, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन फेट्रा, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019 नामित हुए हैं। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षता, अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रो पॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की पहली भारतीय मानद न्यासी नामित हुई हैं। रजनीकांत प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। प्रेम भारत की लक्ष्मी पहल की एम्बेसडर, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एवं प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बनी है। भारत की लक्ष्मी पहल की एम्बेसडर याद रखना। प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल, रासायनिक तथ्यों की आवर्त सारणी के 118 तथ्यों को सबसे कम समय यानी कि 2 मिनट 49 सेकंड में व्यवस्थित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 27 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। पायल जानगेड़, राजस्थान की बाल अधिकार कार्यकर्ती फिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किए गए। आनंद कुमार, IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्था सुपर 30 के संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ, अमेरिकी संगठन फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस द्वारा द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित हुए हैं। फिर माधुरी दीक्षित, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा लोगों के बीच मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना सद्भावना राजदूत बनाया गया है। फिर नरेंद्र मोदी साहब, तो आपको पता होगा भारतीय प्रधानमंत्री हैं, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल प्रदान किया गया है। शरद कुमार सराफ, टेक्नो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन के संघ के नए अध्यक्ष चुने गए। विरल बी आचार, भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। फिर एन गोपाल स्वामी, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक की समिति द्वारा BCCI और भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चुनाव की निगरानी हेतु निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर प्रतिभा सिंह पाटिल, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति, मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डन मैक्स काना डेल एगोविला एजेक्टिका ऑर्डर ऑफ द एजेक्टेक ईगल से सम्मानित हुई हैं 1 जून 2019 को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पार्टी के लोकसभा सदस्य, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। फिर सैफाली जुनेजा, भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त हुई है। फिर अमित अग्रवाल, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, भारतीय वायुसेना के एडवांस जेट विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। श्याम शरण, भारत के पूर्व विदेश सचिव, जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। फिर SAS किरण कुमार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, फ्रांस सर्वोच्च के सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं। फिर है आरोही पंडित, मुंबई की महिला पायलट लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। एलिस जी बैधन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। फिर टीना ठक्कर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म द्वारा सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। फिर ऋतु बेरी,
प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर उज्बेकिस्तान के पार्टनर पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक नामित हुई है मार्च 2019 में। बात करते हैं रीमा दास। प्रसिद्ध असमिया फिल्म निर्देशिका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के शेयर हर जर्नी अभियान के अधिकारी एम्बेसडर बनी है। फ्रैक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई इंजीनियर बनी। फ्रैक स्नेहा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की तिरुपत्तूर की रहने वाली अधिवक्ता नो कास्ट नो रिलीजन का प्रमाण पत्र पाने वाली देश की पहली महिला बनी। इनका आधिकारिक तौर पर अब कोई धर्म कोई जाति नहीं है। बात करते हैं पीवी सिंधु। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी बंगलोर में आयोजित एयरो इंडिया 2019 के दौरान हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। फ्रेंड सत्यरूप सिद्धांत पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पर्वतरोही 7 ऊंचे पर्वत शिखरों की और 7 ज्वालामुखी पर्वतों सभी 7 महाद्वीपों को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतरोही बने। ठीक है, याद रखना। नाहिद आफरीन असम की लोकप्रिय गायिका बाल अधिकारों के लिए लड़ने हेतु यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं शक्तिकांत दास साहब के बारे में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया है। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को उन्होंने उर्जित पटेल साहब का स्थान लिया है। फिर है सुनील अरोड़ा। ठीक है, कौन है सुनील अरोड़ा? तो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है 2 दिसंबर 2018 को। फिर है शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री का नई दिल्ली में निधन हो गया 20 जुलाई 2019 को। ठीक है, फिर बात करने वाले हम लोग वर्ष 1958 से 2013 के मध्य दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार 3 कार्यकाल की रही। फिर है पूर्वी बोरमू दोई प्रसिद्ध असमी साहित्यकार एवं लेखिका का निधन हो गया 15 जुलाई 2019 को। उन्हें उनकी पुस्तक शांतानुकूलानंदन के लिए वर्ष 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीस कर्नाड प्रसिद्ध नाटककार लेखक अभिनेता और निर्देशक का बंगलुरु में निधन हो गया 10 जून 2019 को। नागमंडल यायाती तुगलक उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1974 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। फिर है मनोहर परिकर गोवा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री का निधन हो गया 17 मार्च 2019 को। वह अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे। फिर है प्रोफेसर नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समालोचक नई दिल्ली में निधन हो गया 19 फरवरी 2019 को। छायावाद इतिहास और आलोचना कहानी नई कहानी कविता की नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते हैं कृष्णा सोबती हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लेखिका का निधन हो गया 25 जनवरी 2019 को। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में मित्रों मरजानी जिंदगी नामा डार से बिछुड़ी दिलो दनीस बादलों की घेरे ए लड़की गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आदि शामिल है। ठीक है, चलिए तो इतना देख लिया। अब बात करने लोग अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति एवो मोरालेस बोलिविया के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने 10 नवंबर 2019 को। उनके स्थान पर चीनिन अनेज देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फ्रैंक क्रिस्टीन लेगार्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व प्रबंध निदेशक यूरोपियन सेंट्रल बैंक
ईसीबी का की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं 1 नवंबर 2019 को। ईसीबी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं फ्रें राफेल मारियानो ग्रासी, अर्जेंटीना के राजनयिक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अक्टूबर 2019 में। फ्रें क्रिस्टालिना जोर्जीविया बुल्गारिया की राष्ट्रपति एवं विश्व बैंक समूह की पूर्व सीईओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है 1 अक्टूबर 2019 को। फ्रें जैक सिराक, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया जैक सिराक का 26 सितंबर 2019 को। वह वर्ष 1995 से 2007 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। वर्ष 1974-76 तथा वर्ष 1976 से 88 के मध्य फ्रांस के प्रधानमंत्री भी रहे। फ्रें बोरिस जॉनसन, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है 24 जुलाई 2019 को। इस पद पर उन्होंने थेरेसा मे का स्थान लिया है। फ्रें उर्सुला वॉन डेर लेन, जर्मनी की राजनीतिक, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष चयनित हुई हैं 16 जुलाई 2019 को। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2019 से प्रारंभ होगा। यूरोपीय संसद में उनके पक्ष में बहुमत से मतदान किया गया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अध्यक्ष होंगी। फिर किरिया योकोस, किरियाकोस मित्सोता किस, कंजर्वेटिव नेता, ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है 8 जुलाई 2019 को। इस पद पर इन्होंने एलेक्सिस सिप्रास का स्थान लिया है। फ्रें अनीता भाटिया, भारतीय मूल की, अमेरिकी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर काम करने वाली एजेंसी यूएन वीमेन की संसाधन प्रबंधन स्थिरता व भागीदारी हेतु उप कार्यकारी निर्देश सब नियुक्त हुई है 30 मई 2019 को। बात करते हैं अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति, इसमें कम दिख रहा है यार, लेकिन एडजस्ट करना, मैं हूं ना दिखाने के लिए, ठीक है। सब देखिएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक, दिख तो रहा है इतना, लेकिन थोड़ा और बता दें। पहले गोताबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 18 नवंबर 2019 को। किसने? गोताबाया राजपक्षे ने। फ्रैंक कैस सईद, ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को। फ्रैंक प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे, संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन की अध्यक्षता की है उन्होंने, याद रखना। फ्रें ओलेक्सी होंच रुक, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। फ्रें लियोनेल ए इंगीमिया, नोरू के नए राष्ट्रपति बने हुए, ठीक, 27 अगस्त 2019 को। फ्रें क्यू डांगयू, चीन के कृषि एवं और ग्रामीण मामलों के उपमंत्री, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के 9वें महानिदेशक नियुक्त हुए। फ्रें प्रीति पटेल, भारतीय मूल की ब्रिटिश राजनीतिक, ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है 24 जुलाई 2019 को। फ्रें जुजाना केप्यूतोवा, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है 15 जून 2019 को। रोमिला थापर, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार एवं लेखिका, अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं 6 जून 2019 को। फ्रें नाइब बुकेले, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है उन्होंने 1 जून 2019 को। फ्रें जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं 21 मई 2019 को। फ्रें वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, प्रसिद्ध हास्य कलाकार, यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए 20 मई 2019 को। बात करते हैं जगजीत पवाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुए 7 मई 2019 को।
लोरेंटिनो कोर्टिजो कोर्टिजो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं 1 जुलाई 2019 को। राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य ऑडिटर चुने गए हैं मई 2019 में। दिनेश धर्मीजा भारत ब्रिटिश भारतीय उद्यमी लंदन से यूरोपीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं मई 2019 में। लॉरी लाइटफुट अमेरिकी महिला वकील, शिकागो की प्रथम अश्वेत महिला मेयर निर्वाचित हुए हैं 2 अप्रैल 2019 को। कासिम जुमार टोका एव कजाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 20 मार्च 2019 को। फिर नेओमी जहांगीर राव भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के सर्किट ऑफ कोर्ट ऑफ अपील्स में यूएस सर्किट न्यायाधीश नियुक्त हुई है 18 मार्च 2019 को। डॉक्टर मोहम्मद सत फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं 14 अप्रैल 2019 को। अब्देल फतल अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने, अफ्रीकन यूनियन के नए अध्यक्ष, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, अफ्रीकन यूनियन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 10 फरवरी 2019 को। समीला बटोही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण की प्रमुख नियुक्त हुई हैं। 4 दिसंबर 2018 को एनपीए प्रमुख पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला समीला ने फरवरी 2019 पर यह पद ग्रहण किया है। फिर इब्राहिम मोहम्मद सोलिम मालदीव के नए राष्ट्रपति बने 17 नवंबर 2018 को। लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है 7 नवंबर 2018 को। अब बात करते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के निधन के बारे में। सदाको ओगाटा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की पहली महिला प्रमुख का निधन हो गया 22 अक्टूबर 2019 को। टोनी मोरिसन प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार एवं साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया 5 अगस्त 2019 को। ली पेंग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया 22 जुलाई 2019 को। युकिया अमानो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक का निधन हो गया 18 जुलाई 2019 को। हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 14 जुलाई 2019 को। फर्नांडो डी ला रुआ अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 9 जुलाई 2019 को। वह दिसंबर दो 1999 से दिसंबर 2001 तक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रहे। फिर मोहम्मद मुर्सी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 17 जून 2019 को। मिस्र के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। फिर अहमद इस्सोब भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी लेखक एवं शिक्षाविद का दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया 9 जून 2019 को। फिर एलन गार्सिया पेरू के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, ये 17 अप्रैल 2019 को हुआ है। जेरी कोब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला का निधन हो गया 18 मार्च 2019 को। फिर जोरेस इवानोविच अल्फे रो रूस के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया 1 मार्च 2019 को। रसेल बेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार, स्तंभकार एवं लेखक का निधन हो गया 21 जनवरी 2019 को। उन्हें 2 बार वर्ष 1979 और 1983 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर तुलसी गिरी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया 18 दिसंबर 2018 को, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में, अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। तो ये हैं जेयर बोल्सो नारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने, वर्ष 2020 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। कौन? जेयर बोल्सो नारो ब्राजील के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। फ्रेंड डॉक्टर बिनिया सेट्री अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ की जनरल वाइस प्रेसिडेंट चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी है 9 नवंबर 2019 में। नीरज शर्मा भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता, ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अर्ली कैरियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुई है।
नवंबर 2019 में मरियम थेरेसा थीसिया भारतीय नम पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित हुए हैं। 13 अक्टूबर 2019 को जियान नुइगी बुफोन प्रसिद्ध इतालवी फुटबॉलर संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत नामित हुए 9 अक्टूबर 2019 को यालित्जा अपेरिसियो प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिनेत्री देशीय लोगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत नामित हुए हैं 4 अक्टूबर 2019 को जितेंद्र कुमार संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शांति रक्षक रहे मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक डेग हैमर स्किजोल्ड पुरस्कार से सम्मानित हुए 29 मई 2019 को गगनदीप कांग रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी 1 अप्रैल 2019 में प्रोफेसर श्री एन श्रीनाथ भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता जीव विज्ञान प्रणाली में अनुपयोग वैश्विक मुद्दों व सतत विकास में उनके योगदान हेतु प्रतिष्ठित क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए 1 अप्रैल 2019 में फ्रैंक केन टनाका जापानी महिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति 166 वर्ष बस 66 दिन के रूप में सम्मानित हुई हैं ठीक 9 मार्च 2019 को। बात करते हैं डेविड आर मालपास विश्व बैंक समूह के 13वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है 9 अप्रैल 2019 को डेविड आर मालपास ने, याद रखना। फिर है जगमीत सिंह, कौन से जगमीत सिंह, तो भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक कनाडा की संसद में कि निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने हैं मार्च 2019 में। कनाडा के राजनीतिक इतिहास में वह पहले जातीय अल्पसंख्यक नेता हैं जो इस सदन के सदस्य बने हैं। इंदिरा नूरी प्रमुख अमेरिकी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई हैं 26 फरवरी 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त हुई जून 2018 में। फ्रैंक क्रिस्टीना कोच नासा की अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला होंगी संभवतः 328 दिन 1 अप्रैल 2019 में। वह 14 मार्च 2019 को ISS में पहुंची थी और अब वहां वह फरवरी 2020 तक रहेंगी। इससे पूर्व वर्ष 2016-17 में महिला अंतरिक्ष यात्री पेगी हिटसन 2288 दिन ISS में बिताने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। फिर जुआओ गिलबर्टो ब्राजील के प्रसिद्ध गायक गीतकार गिटार वादक का निधन हो गया 6 जुलाई 2019 को। उन्होंने ब्राजील की प्रसिद्ध संगीत शैली बुस्सा नोवा का पिता कहा जाता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर पेट्रिसिया बाथ अमेरिका की महिला नेत्र विशेषज्ञ का निधन हो गया 30 मई 2019 को। मोतियाबिंद की अधिक सटीक उपचार पद्धति खोजने के साथ ही वे पहली अमेरिकी महिला बनी जिन्होंने इसका सफल उपचार किया। बात करते हैं वालेस स्मिथ बोइकर प्रसिद्ध अमेरिकी भू भौतिकविद एवं जलवायु वैज्ञानिक का न्यूयॉर्क में निधन हो गया 18 फरवरी 2019 को। वे जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। फ्रें जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया 30 नवंबर 2018 को। वह वर्ष 1989 से 1993 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक, चर्चित खेल व्यक्ति जिनमें दीपक चाहर भारतीय तेज गेंदबाज है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बने हैं 10 नवंबर 2019 को। दीपक ने नागपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध खेले गए मैच में 3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लिए। उल्लेखनीय है यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रदर्शन है। बात करते हैं MC मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियनशिप भारतीय महिला मुक्केबाज ओलंपिक बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मुक्केबाजों का प्रतिनिधि करने के लिए नियुक्त 10 सदस्यीय खिलाड़ियों के दूत समूह में
शामिल हैं एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम इस समूह में एशियाई मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करेंगी। एशियन स्पोर्ट्स प्रेस यूनियन द्वारा एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया है एमसी मैरी कॉम को। बात करते हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। भ्रष्ट आचरण हेतु आईसीसी द्वारा 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं साकिब अल हसन। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने और 250 विकेट लेने का गौरव हासिल है। फिर सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। फिर प्रवीण कुमार, बुसु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। प्रवीण ने 15वीं विश्व बुसु चैंपियनशिप संघाई चीन में पुरुषों की 48 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में फिलीपींस के रसेल डियाज को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। फिर मरीकी वरबूट, बेल्जियम की चैंपियन पैरालंपिक एथलीट, 40 वर्ष की उम्र में इच्छा मृत्यु के जरिए अपने जीवन का अंत कर लिया है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2019 को वे मांसपेशियों से संबंधित रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी नामक रोग से पीड़ित थे। बात करते हैं यशस्वी जायसवाल, भारतीय युवा बल्लेबाज हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से 17 वर्ष 292 दिन आयु के यशस्वी ने झारखंड के विरुद्ध 154 गेंदों में 12 छक्के 17 चौकों की मदद से 203 रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। यशस्वी ने दक्षिण अफ्रीका के एल वेरो का 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वेरो ने 20 वर्ष 275 दिनों की उपलब्धि में यह दोहरा शतक लगाया था। फिर लियोनल मेसी बार्सिलोना के कप्तान एवं स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी लगातार तीसरी बार यूरोपियन गोल्डन सूट पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यह मेसी का कुल 6ठा गोल्डन सूट खिताब है। फिर हैं सिमोन वाइल्स, अमेरिकी महिला जिमनास्ट, स्टुटगार्ड जर्मनी में आयोजित विश्व आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक 25 जीतने वाली जिमनास्ट बनी। उन्होंने बेलारूस के पुरुष जिमनास्ट विटाली सेरवो के सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर मैताली राज, भारतीय महिला क्रिकेटर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 दशक से अधिक समय तक खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी क्रिकेटर बनी। उन्होंने 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला था। द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हेतु भारतीय टीम की सद्भावना दूत नियुक्त हुई हैं। वो दो सौ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। उन्होंने अपना 200वां एक दिवसीय मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध सैडन पार्क हैमिल्टन न्यूजीलैंड में खेला। फिर बात करते हैं कुमार संगाकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज, एमसीसी क्लब के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। वे एमसीसी के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। फ्रेंस सेबास्टियन को, ब्रिटिश राजनेता एवं पूर्व ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के 4 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के हेतु अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके साथ ही जिमेना स्टेपो IAAF की पहली महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। बात करते हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज, टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध खेली गई एकमात्र टेस्ट मैच की श्रृंखला के दौरान 20 वर्ष 350 दिन की उम्र में कप्तानी की है। इससे पूर्व टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के तेंडा ताइबू के नाम था, जिन्होंने 20 वर्ष 358
दिन की उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। बात करते हैं मयंक वेद की, जिसके सबसे कठिन रेसों में एक एंड्यू रोमेन ट्रायथलॉन को जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट बन गए। मयंक ने लगभग 463 किलोमीटर की इस रेस को 50 घंटे 24 मिनट में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इस रेस में रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग के जरिए इंग्लैंड से फ्रांस तक की यात्रा पूरी की है। सुभमन गिल भारतीय युवा बल्लेबाज हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा 19 वर्ष 334 दिन भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज ए के विरुद्ध खेले गए तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के दौरान भारत ए की ओर से खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। फ्रेड डाली लाह मोहम्मद अमेरिकी महिला एथलीट हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ में 16 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया है। आयोवा अमेरिका के ड्रैग स्टेडियम में आयोजित यूएस ए ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में डाली लाह ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 52.20 सेकंड में पूरी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। थ्रे हिमा दास भारतीय महिला एथलीट नोवे मेस्टो नार्ड मेटूजी ग्रांड प्री चेक गणराज्य में 400 मीटर की रेस 52.9 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। डिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर असम की एथलीट हिमा दास यूनिसेफ इंडिया की पहली युवा एम्बेसडर बनी है। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय बने हैं। इसके अतिरिक्त एलन डोनाल्ड दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात करते हैं विजेंदर सिंह, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज, सुपर मेडल वेट मुकाबले में अमेरिका के माइक स्नाइडर को पराजित कर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 11वीं जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में जीत से विजेंदर ने अमेरिकी पेशेवर सर्किट में जीत के साथ पदार्पण किया है। बात करते हैं रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी विंबलडन में 100वीं जीत दर्ज करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। 100वीं जीत फेडरर ने जापान के केई निशिकोरी को पराजित कर दर्ज की है। अब बात करते हैं दूती चंद भारतीय महिला एथलीट इटली के नेपोली में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर रेस में 11.32 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। दूती इन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान और बल्लेबाज एक ही विश्व कप में सर्वाधिक 5 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रोहित ने श्रीलंका के कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने वर्ष 2015 में विश्व कप में 4 शतक लगाए थे। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 मैचों में T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में 50 रन की पारी खेलने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 4 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। बात करते हैं क्रिस गेल, वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज, विश्व कप में सर्वाधिक छक्के 49 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के विरुद्ध खेली गई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 129 गेंदों में 135 रन बनाए। अपनी इस पारी में गेल ने 3 चौके 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्यारूपों में समग्र रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरीदी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 476 छक्के लगाए थे, जबकि गेल अभी तक 534 छक्के लगा चुके हैं।
बात करते हैं विराट कोहली जी की। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सफलतम कप्तान बने कोहली ने 3 सितंबर 2019 को समाप्त किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की। उसके नेतृत्व में भारत की 48 टेस्ट मैचों में से 28 टेस्ट मैच विजयी थे। अब तक कोहली कप्तान के रूप में भारत के 32 टेस्ट मैचों में विजय दिला चुके हैं। सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन टेस्ट वनडे प्लस T20 बनाने का कारनामा किया है उन्होंने। डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। बात करते हैं ओइन मॉर्गन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लीग मैचों के दौरान अफगानिस्तान के विरुद्ध रिकॉर्ड 17 छक्के लगाए। इस उपलब्धि से मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। थ्रेक क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर अंपायर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। क्लेयर ने नामीबिया और ओमान के बीच खेले गए वर्ल्ड लीग डिवीजन 2 के फाइनल में अंपायरिंग कर रहे यह उपलब्धि हासिल की है। बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन बस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म रेड बस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और बतौर कप्तान 4,000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बने। आईपीएल के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाले पहले कप्तान बने। इन्होंने 100वीं जीत राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध दर्ज की थी। बात करते हैं पीवी सिंधु। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारतीय महिला खिलाड़ी भुगतान प्रणाली कंपनी वीजा ने 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु टीम वीजा की एथलीट सदस्य भी बनाया गया। चीन के प्रीमियर स्पोर्ट्स ब्रांड लीग निग ने के साथ 50 करोड़ रुपए की 4 वर्षीय अनुबंध किया है इन्होंने। बात कर लेते हैं अन्य चर्चित खेल व्यक्तियों की। सैन वॉटसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए। शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर ग्रॉस आइलैंड में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेले गए T20 मैच में 49 गेंदों पर 73 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा 15 वर्ष 285 दिन खिलाड़ी पुरुष या महिला बन गई। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में मैचों में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा 19 वर्षीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर बिन स्टॉक्स इंग्लैंड के हरफन मौला क्रिकेटर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा विदित पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर दीप्ति शर्मा भारतीय महिला स्पिनर किसी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 3 मैडन ओवर फेंकने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई। फिर गौरवी सिंह भी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की सबसे युवा महिला है, 16 वर्ष की तैराक भी बनी। पीटी उषा एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के एथलेटिक्स कमीशन की सदस्य चुनी गई है। ऐश्वर्या पिस्से भारतीय मोटर साइकिल रेसर मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी है। कपिल देव पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलाधिपति नियुक्त किए। ईस्ट बंगाल क्लब द्वारा भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर शिव थापा भारतीय मुक्केबाज रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। थापा को 63 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान में के जाकिर सापुलिन के खिलाफ वॉक ओवर मिला है। फिर अर्जुन भाटी भारतीय गोल्फर ताइवान के जेरेमी चेन को
पराजित कर तीसरी बार जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। ली चोंग वेई बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार। मलेशिया के 36 वर्षीय शटलर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया इन्होंने युवराज सिंह। भारतीय हरफन मौला क्रिकेट खिलाड़ी। मुंबई में एक प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है इन्होंने। फ्रेड फार्मिगा ब्राजील के 41 वर्षीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी। 7 महिला विश्व कप खेलने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं। फिर जी एस लक्ष्मी भारतीय महिला क्रिकेट मैच रेफरी। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी। अंजू तमांग भारतीय महिला फुटबॉलर। गोकुलम केरल एफसी की अंजू ने एसएसबी सेंट्रल के विरुद्ध 14वें सेकंड में गोल किया। इंडियन वीमेंस लीग 2018-19 का यह सबसे तेज गोल है। फिर इगोर स्टमाक क्रोएशिया के फुटबॉल कोच। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की तकनीकी समिति द्वारा महासचिव भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के कोच ने चयनित हुए। टाइगर वुड्स अमेरिकी गोल्फर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित हुए। फ्रह ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए। फिर इंज माम ओल हक और मार्क बाउचर क्रमशः पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान एवं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब लॉर्ड्स लंदन में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई इन्हें। फिर पिपोल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष फीफा की परिषद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ईसाक हायेक 73 वर्षीय इजराइल फुटबॉलर पेशेवर फुटबॉलर खेलने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बने। फिर बिल जैक्स इंग्लिश क्रिकेटर काउंटी क्लब सरे की ओर से खेलते हुए टी टेन क्रिकेट का पहला शतक लगाया। जैक्स के लंका शायर के विरुद्ध 25 गेंदों पर शतक पूरा किया है। फ्रे लेवू होंग चीन की महिला एथलीट। 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा 4 घंटे में कम समय में पूरी करने वाली विश्व की पहली महिला एथलीट बनी। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एवं विकेट कीपर। सर्वाधिक ऊंचाई से गिराई गई क्रिकेट बॉल को कैच करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है। फिर डीके जैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए। फिर सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर फुटबॉलर। दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रथम फुटबॉल रत्न सम्मान से सम्मानित हुए। सना मीर पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर। T20 क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी है। बात करते हैं मलिंदा पुष्प कुमारा श्रीलंका स्पिन गेंदबाज। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। फ्रेश शुभांकर शर्मा 22 वर्षीय भारतीय गोल्फर। एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट ट्रॉफी जीतने वाले सबसे युवा भारतीय गोल्फर बने। अपूर्वी चंदेला भारतीय महिला निशानेबाज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व की नंबर एक निशानेबाजी बन गई। जी साथियान भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी। विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25वें स्थान बनाने वाली पहली भारतीय बनी। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर हैं। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब हैम्पशायर से जुड़ने वाले पहले भारतीय बने। हरमन प्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला है 100वां। ठीक है, याद रखिए सिंधु को देख
सिंधु विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में सातवें स्थान पर है। फ्रेड डी मुकेश डी गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। इन्होंने 12 वर्ष 7 माह 17 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के आर प्रागनंदा का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 12 वर्ष 10 माह 13 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। फ्रेम वेदांगी कुलकर्णी पुणे की 20 वर्षीय महिला साइकिलिस्ट साइकिल द्वारा सबसे कम समय में विश्व की परिक्रमा करने वाली एशिया की महिला एशियाई महिला बनी। वेदांगी ने 159 दिनों में 14 देशों की यात्रा के दौरान मानक 29,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो चलिए ये थे सभी हमारे चर्चित व्यक्ति 2018 और 19 के करीब। ठीक, अब बात करेंगे आगे हम लोग पुरस्कार और सम्मान देखेंगे। ठीक है,